नमस्कार, मॉम द शेफ में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान और महाराष्ट्र की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश पाटोड़ी की सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। महाराष्ट्र में इसे पाटोड़ी की सब्जी कहते हैं और राजस्थान में पितोड़ की सब्जी कहते हैं। ये डिश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खाने में नया टेस्ट और फ्लेवर का मजा लेना चाहते हैं। इस रेसिपी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी ताकि आप घर पर आसानी से इस डिलीशियस पाटोड़ी की सब्जी बना सके। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पाटोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो घोल के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी बेसन ले लिया है, उसको छान लेंगे। तो क्या, क्योंकि बारिश का मौसम है तो गुठलियाँ पड़ जाती है, इससे ताकि गुठलियाँ ना रहे छानने से, तो ये मैंने छान लिया है। अब मैंने कुछ लहसुन की कली और दो तीन हरी मिर्ची के टुकड़े ले लिए हैं। अब इसको दरदरा सा हम पीस लेंगे। तो चलिए अब बेसन में हम एक चम्मच अजवाइन डाल देंगे और लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे ग्रेवी के लिए। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और एक चुटकी हींग डाल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक स्मूथ सा बेटर तैयार करेंगे। हमें बेटर को ना ज्यादा पतला करना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा करना है, बिल्कुल सेमी ठीक रहना चाहिए हमारा बेटर। इसे चम्मच या विस्कर की मदद से इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गांठ ना रहे। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब थोड़ा पानी और ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि अभी हमारा बेटर बहुत गाढ़ा है। जब ये अच्छे से मिल जाए तब फिर और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। तो एक कटोरी मैंने बेसन लिया है तो एक कप मैंने पानी ऐड किया है इसमें। तो ये हमारा बेटर परफेक्ट है पाटोड़ी के लिए। अब यहाँ पर मैं एक चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ, इससे हमारी पाटोड़ी एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थाली को तेल से ग्रीस कर लेंगे। और इसमें ये बेटर को डाल देंगे। आप लोगों को मैं यहाँ पाटोड़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ और खास तौर पर बिगिनर्स के लिए तो और भी आसान काम हो जाएगा, वो इसे आसानी से बना सकते हैं। पाटोड़ी को स्टीम करेंगे तो मैंने यहाँ पर पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब बेटर की थाली को इसके ऊपर रख देंगे और 10 मिनट तक इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे ढक करके। और जैसे ही ये सेट हो जाए हम ढक्कन हटा देंगे। अब देख लेते हैं कि पाटोड़ी पकी है या नहीं। इसके लिए हम टूथपिक या नाइफ डाल करके चेक कर सकते हैं। अगर वो क्रीम बाहर आता है तो समझो पाटोड़ी हमारी रेडी है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो और उसके बाद में स्क्वायर शेप में या फिर डायमंड शेप में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी परफेक्ट पाटोड़ी तैयार है। ये सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर की और बिल्कुल स्मूथ बनी है। अब हम इसे सब्जी में यूज करेंगे। आप चाहे तो इसे स्नैक्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं। पाटोड़ी को फ्राई करके या ग्रेवी में डालकर, दोनों तरीके से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम पाटोड़ी की ग्रेवी बनाने के लिए, इसमें मैंने यहाँ पर जो पहले हरी मिर्ची और लहसुन जो पीस के रखा था उसी के इसमें हम प्याज को भी ऐड करके पीस लेंगे। और प्याज को हमें बिल्कुल फाइन नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा पीसना है। तो ये देखिए मैंने ये दरदरा सा पीस लिया है इन सबको, ये देखिए। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं।
पहले कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम हीट पर गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें राई डाल देंगे। जब राई चटकने लगे तो जीरा ऐड कर देंगे। अब एक चम्मच भर के लिए यहाँ पर नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें लहसुन, हरी मिर्ची और जो हमने प्याज को मोटा मोटा सा पीस लिया था वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब एक चम्मच में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें टमाटर की क्यूरी मैंने तैयार करके रखी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी इन सब के साथ में भून लेंगे। अब इसे ढक करके 5 से 7 मिनट तक के पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। कितना अच्छा कलर और कितना अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे क्योंकि पाटोड़ी ज़्यादा पानी सोखती है। और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। साथ ही इसमें मैं यहाँ पर आधी चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और कसूरी मेथी को भी ऐड कर देंगे, इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है। तो देखिए ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। आप इसको चपाती, गरम गरम पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, मॉम द शेफ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।